नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा में। और इस वीडियो पे हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही साथ एमपी जेल प्रहरी की जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। इन दोनों की फिजिकल प्रिपरेशन की जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है रनिंग के ऊपर, 800 मीटर रनिंग आप कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं दिए गए समय में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में जो डाइट प्लान आपको चाहिए और बेस्ट टिप्स हैं सक्सेस के लिए, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ज़रूरी है कि आपको शेड्यूल पता होना चाहिए कि आपका एक डाइट प्लान और साथ में कब आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग का है। बहुत बंदे इवनिंग में भी रेस दौड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मगर सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होता है मेरे अकॉर्डिंग वो है मॉर्निंग का। ठीक है, आपको सुबह क्या करना है, 90 मिनट देने हैं मात्र, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम्स भी हैं और एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम को पास किए हुए आपका फिजिकल का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो आपको मात्र 90 मिनट देने हैं और उसमें भी क्या करना है कि आपको डाइट का खास ध्यान देना है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि खाली पेट दौड़ने चले जाते हैं, और खाली पेट दौड़ना उन लोगों के लिए सही होता है जो थोड़ा फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि खाली पेट दौड़ने से उनकी जो चर्बी होती है शरीर की वो घटती है। ठीक है, तो जो पहले से ही स्लिम है उनको क्या चाहिए कि दौड़ने से पहले वो सबसे पहले अपनी डाइट लें, जो भी नॉर्मल डाइट लेते हैं चने या सेव। ठीक है, दौड़ने से पहले आप ये ले सकते हैं, कोई भी नमक की चीज़ ना लें दौड़ने से पहले, नहीं तो दौड़ते समय आपके गले में जलन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चने या सेव जो भी आप ले सकते हैं दौड़ने से पहले वो लें, और 15-20 मिनट पहले खा के जाएं ग्राउंड में। और शूज जो है, शूज के ऊपर बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि शूज कौन सा लें, तो ऐसे शूज जिनका जो सोल होता है वो मोटा होता है वो बेस्ट शूज होते हैं, मगर सबसे सही जो रेट के हिसाब से भी, क्योंकि प्राइस भी हमें देखना होता है और वेट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से शूज देखे गए हैं, वो होते हैं सेगा के। ठीक है, अगर आप सेगा के शूज ले रहे हैं तो आपको ये लगभग 500 के अंदर पड़ जाते हैं, और इनका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप सेगा के शूज ट्राई करें एक बार। और साथ ही दौड़ने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ज़रूरी है आपका ग्राउंड जाना। बहुत बंदे क्या करते हैं, ग्राउंड नहीं जाते, रोड पर ही दौड़ते हैं, और रोड पर दौड़ने से होता क्या है कि जो आपके घुटने हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, मगर एक एज होती है 30 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके घुटनों में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ग्राउंड जाने की, अदरवाइज रोड का ऑप्शन तो आपके पास हो गई। ठीक है, तो ग्राउंड में पहुँचने पर सबसे पहला आपका काम होना चाहिए स्ट्रेचिंग करना। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको 10 से 15 मिनट करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पैर मुड़ गया तो मोच आ जाती है। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर जाएंगे तो मोच जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा दूंगा। साथ में अगर आप पहले दिन दौड़ने जा रहे हैं तो आपको धीमी स्पीड के साथ जॉगिंग की तरह 2 राउंड से स्टार्ट करने हैं। अगर आप ज़्यादा मार सकते हैं, ज़्यादा राउंड मार सकते हैं तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज मिनिमम 2 राउंड से आपको स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और धीमे धीमे आपको उस लेवल तक जाना है कि स्पीड के साथ आप 6 राउंड तक मार सकें, क्योंकि 800 मीटर रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्पीड। यहाँ आपका स्टेमिना नहीं लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगर 2 राउंड मार रहे हैं स्पीड के साथ 800 मीटर, तो आपकी टाइमिंग कम से कम 2:40 तक तो होनी चाहिए, जो एक आइडल टाइम है। ठीक है, बंदे 2:12, 2:15 तक भी मारते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी 2:40 तक अगर टाइमिंग है तो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रेस है वो निकल जाएगा। साथ ही जेल प्रहरी के लिए आप सभी को पता है 2:50 का टाइम मिलता है, तो उसके लिए तो 100% निकल जाएगा अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का रनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 राउंड से लेकर के 6 राउंड तक आपको जाना है, या आपका एक स्टेज ऐसा आ जाना चाहिए लास्ट फाइनल रेस तक कि 6 राउंड आप मार सकें बिना रुके। ठीक है, और रेस जब आप राउंड मार्च जब आप रनिंग कर चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जो अदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं
वो जरूर करनी है, जैसे एब्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज और लोअर एब्डोमिनल पुशअप्स ये वगैरह। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हैं लोअर एब्स के लिए, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज जितने टाइम्स लिखी हैं आपको करनी चाहिए। इनसे क्या होता है कि जो आपके पेट के पास चर्बी होती है वो कम होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपके एब्स होंगे, पेट होंगे, उतनी अच्छी आपकी रेस बनेगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ये सभी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके देख सकते हैं यहाँ पास जितनी भी एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल एब्स के लिए जो एक्सरसाइज हैं वो। लेकिन इनसे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है दौड़ के जस्ट आते ही, वो ये हैं। अगर आप इन सभी एक्सरसाइजों को लाइन से करेंगे तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। कई बंदों को क्या होता है कि सिन पेन होता है, ठीक है, घुटने के नीचे हड्डी के पास बहुत दर्द होता है, कभी यहाँ पास बोलते हैं कि जाम हो रहा है, कभी यहाँ खून जम रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दिक्कतें इन्हीं कारण से आती है, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेचिंग की वो ज़रूर करनी है, उनको कभी मिस नहीं करनी है। दौड़ने से पहले 10 मिनट करनी है और दौड़ने के बाद आपको आधे घंटे तक ये एक्सरसाइजेज अच्छे से पूरी तरीके से करनी है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और दौड़ के आने के बाद आपको क्या करना है कि केले और दूध ज़रूर खाने हैं, ठीक है। दो केले और दूध आपको डेली लेना है, ये आपके जो एनर्जी लेवल है, बॉडी का जो भी लॉस हुआ है दौड़ते समय उसको रिकवर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बताता हूँ, दौड़ते समय बहुत बंदों का क्या होता है कि मोटिवेशन लो होता जाता है कुछ दिनों बाद, ठीक है। एक दो दिन तो वो अच्छे से दौड़ेंगे, मन बिल्कुल मोटिवेशन हाई करके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मगर जहाँ एक हफ्ते के बाद क्या होता है उनकी मोटिवेशन डाउन होते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दौड़ते समय और दौड़ने से पहले कभी भी दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है, बस आपको शुरू कर देना है दौड़। और दौड़ते समय दिमाग में आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किया है 4 राउंड सोचकर, तो आपको 4 राउंड किसी भी हालत में ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, ठीक है। ये नहीं आना चाहिए दिमाग में कि यार चलो हो गया, अब तो 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, चलो बस हो गया। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 राउंड बोला गया है तो आप 3.5 राउंड करके, आपको आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि चलो अब तो 4 राउंड हो ही गए हैं, ठीक है। जो आपका एम है वो कम्प्लीट उसी पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और पेन के ऊपर जितनी भी पेन है उनके लिए मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो किसी भी प्रकार का दर्द जो है आपके बॉडी में नहीं होगा। और हल्का फुल्का जो दर्द होते हैं वो तो आपको जब तक आप फिजिकल करेंगे तब तक होंगे, ठीक है। मैंने भी फिजिकल किए हैं कई, तो मेरे को भी होते थे और आपको भी होंगे, कोई भी करेगा तो हर बंदे को होंगे, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई भी डाउट हो मन में, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी या अन्य किसी भी एग्जाम के बारे में, फिजिकल के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स जरूर करूँगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।